नहीं, ज़्यादा शांति लग रही ना मुझे, कि सांस लेने में भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे। ना प्रिटी लग रहा है जैसे लोकेटेड। अभी थोड़ी देर में ही इफ्तार का टाइम हो जाएगा, सारी तैयारियाँ चालू हो गई हैं। घरों में हम इफ्तारी बांटा करते थे, वैसा मुझे फील आ रहा है, तो मैं उसे देने जा रही हूँ। बाद ना बिल्कुल इतनी सी भी हिम्मत नहीं बचती है, इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ मैं। कैसा होता है ना। Hi guys, welcome back to my channel. If you came here for the first time and finding about this first time in front of you, hi, my name is Sana and I do post beauty and lifestyle related content on my channel. If you haven't subscribed my channel, then what are you waiting for? Just go and hit the red subscribe button with the bell icon too. Then only you will be updated about my every YouTube videos. So today's video is all about a day of my life in Ramzan. एक्चुअली मुझे थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 और सब लोग सो रहे हैं यहाँ पे। मैं हॉस्टल में हूँ और मैं रूम से बाहर आके वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो रूममेट है वो भी सो रही है। एक्चुअली अभी न्यू रूममेट आई है मेरी, सो वो मतलब नॉन मुस्लिम है, सो मुझे लगा कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं उठ गई हूँ और अभी मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है और अभी मैं जा रही हूँ तैयारी करने के लिए। सो या स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, पूरा दिन हम कैसे स्पेंड करने वाले हैं। आज संडे है सो हर चीज़ मैं शूट करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द थिंग्स एंड वीडियो के एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतनी ज़्यादा शांति लग रही ना मुझे कि सांस लेने में भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सन्नाटा है यहाँ पे। तो हम अपना सामान निकालते हैं पहले तो फ्रिज में से, फिर उसके बाद हम जाएंगे मेस में। ये जो फ्रिज है ना गाइस, वो सबके लिए कॉमन है, तो इसमें सारे मतलब जो फ्लोर पे जितनी भी लड़कियां रहती है सारे लोग इसी में रखते हैं अपना सामान। तो ये है हमारा इंस्टेंट पराठा और चाहिए मिल्क। सो ये हमारा मिल्क है। बस अभी फ़िलहाल ये दो चीज़ें ही चाहिए हमें, उसके बाद ये बन और चाय। दिस इज़ माई वेरी 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 फेवरेट। सो गाइज, अभी हम हैं 7th फ्लोर पर। हमारा जो मेस है वो 7th फ्लोर पर है और यहाँ से ना बड़ा ही प्यारा सा व्यू दिखता है। जस्ट लुक एट दिस। और जब सनसेट होता है ना तो इतना प्यारा लगता है। ये यहाँ पर ऐसे ऑरेंज कलर की लाइन्स आ जाती है और बादल वगैरह बहुत प्रीटी लगता है। सो मैं तो अक्सर यहाँ पर खड़े रहकर ये सारी चीज़ें देखते रहती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इतना प्यारा सा पूरा बैंगलोर दिखता है। सो या अल्हम्दुलिल्लाह सहरी अच्छे से हो गई गाइस और अब हम पढ़ेंगे फजर की नमाज़। सबसे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। सो अभी हम
वाटर बॉटल को फ्रिज में रखते हैं इफ्तार के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें पानी ही नहीं है, सो हमें ये प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा। ये काम अब हमें मॉर्निंग में करना पड़ेगा, तो अभी हम जाकर फटाफट से नमाज़ पढ़ लेते हैं। Six and a half hours later. Hi guys, good morning. So, अभी मैंने शावर लिया है और अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट फिर से, क्योंकि मुझे भी कुछ सामान लेना है और जो मेरी न्यू रूममेट आई है उन्हें भी काफ़ी चीज़ें लेनी है क्योंकि वो अभी अभी शिफ्ट हुई है इधर, तो काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है। सो हम लोग अभी जाने वाले हैं डी मार्ट। सो यम, अभी तक तो सारी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, आगे देखते हैं आज के दिन कैसे जाता है। डी मार्ट में तो हम उतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ना काफ़ी रश हो जाता है, तो उतना कुछ शूट करना बनता नहीं है, पर फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो अभी हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हाय गाइज, आई एम बैक एंड मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें ली हैं डी मार्ट से, सो मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ऑर्गेनाइज़र, वैसे तो ये काफ़ी कॉमन है आई नो, बट मुझे फिर भी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है इसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो रखी हैं, सो इसलिए मैंने इसे लिया है। और मैंने एक और चीज़ ली है, वो है ये दिया है मैंने ऑर्गेनाइज़र, इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें रख सकती हूँ क्योंकि अभी सामान इधर थोड़ा ज़्यादा हो गया रमज़ान की वजह से, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ऑर्गेनाइज़र रख देती हूँ अलमीरा में। सो इसमें चीज़ें अभी हम फटाफट से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सबसे पहले, इन सब चीज़ों से पहले, अभी हो गया है टाइम नमाज का, ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया, तो पहले हम नमाज़ पढ़ लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। A few moments later. Hey guys, so I was sleeping. पता नहीं कभी नींद लग गई नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल सो ही गई थी। मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था जो मैं डी मार्ट से लेकर आई थी ऑर्गेनाइज़र, बट वो नहीं हो पाया उस वक्त, तो मैं अभी सोकर उठी हूँ। अभी 4:30 हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले हम असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखती हूँ थोड़ा सा काम वाम कर लेती हूँ, फिर इफ्तार की तैयारी करनी है। सो बड़ी प्यारी नींद में मैं सो गई थी। सो या सोच रही हूँ कि चलो अब हम साथ में मिलकर फटाफट से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मजा आएगा कब। Thank you.
इफ्तार की तैयारी करने जा रही है गाइस हम लोग ऊपर मेस में। ये पूरा फल फ्रूट्स मेरे पास है तो मैं ये लेकर जा रही हूँ। अभी दोबारा नीचे आना है रूम पर, और भी कुछ चीज़ें हैं जो लेकर जानी है, ऐसे ही बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता है, बट ठीक है चुनो मेरा फ्लोर आ गया। मैगी का पैकेट नीचे ही भूल गया गाइस हम लोग, और तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, और मकीन्स भी है तो वो भी नीचे ही रह गया है, तो मैं जा रही हूँ अभी स्टेयर से लेने, क्योंकि लिफ्ट के चक्कर में रुकूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाता था, इसलिए अभी फटाफट से हम दौड़ के जाएंगे और भाग कर वापस आएंगे। गिरना जाए अगेन आई एम हेयर गाइज माई ब्यूटिफुल प्लेस। कितना प्रिटी लग रहा है जिस लोकेटेड। अभी थोड़ी देर में ही इफ्तार का टाइम हो जाएगा, सारी तैयारियां चालू हो गई हैं। मैं यहाँ पर अक्सर आया करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे खड़े रह के सारी चीज़ें देखना। इज सो प्रिटी। ये मैं अपनी रूममेट के लिए लेकर जा रही हूँ गाइस, ऐसे प्लेट बनाकर बढ़िया से इफ्तारी देने जा रही हूँ। जैसे घरों में हम इफ्तारी बांटा करते थे वैसा मुझे फील आ रहा है, तो मैं उसे देने जा रही हूँ। बॉटल स्टेज में रखी थी गाइस, तो अभी मैं बॉटल्स लेकर जा रही हूँ ऊपर फ्लोर। बस अभी कुछ ही टाइम बाकी है इफ्तार में, तो हम फटाफट चलते हैं। नारियल पानी बहुत अच्छा है, पी के देखो इधर। फ्रूट्स अच्छे रहते हैं, पर इंस्टामार्ट से मंगाओ तो एप्पल भी कितना मीठा होगा, गुआवा भी कितना अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई गाइज, अब हम फटाफट से मगरिब की नमाज पढ़ लेते हैं, और उससे पहले हम फ्रिज में सारा सामान रख देते हैं, फ्रूट्स कुछ बचे हुए हैं तो वो रख देते हैं। सो गाइज मगरिब की नमाज़ भी हो गई है, आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी प्रोडक्टिव था, बहुत सारी चीज़ें की मैंने, मतलब डी मार्ट गई, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ की अपनी चीज़ें, सारी चीज़ें आज बहुत अच्छे से हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का इफ्तार भी बहुत अच्छा हो गया। अब तो डिनर करने की कोई हालत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था इफ्तार में। सो अभी ईशा की नमाज़ पढ़नी बाकी है, बट इफ्तार के बाद ना बिल्कुल इतनी सी भी हिम्मत नहीं बचती है, इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ मैं। कैसा होता है ना, दिन भर तो रोज़ा रख लो, दिन भर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत एनर्जी रहेगी, सारी चीज़ें फटाफट से हो जाएगी, बट जैसे इफ्तार कर लो ना पता नहीं क्या ही हो जाता है यार, सारी एनर्जी सब कुछ, इतना ज़्यादा टायर्ड फील होता है, मतलब ऐसे ना कुछ करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस अपने बेड पे लेट जाओ, आराम करो मस्त से। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, घर पे भी ऐसे ही होता था, यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो इफ्तार के बाद ना बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, कल ऑफिस भी जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है, सो मुझे थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अभी सारी चीज़ें निकालनी है कल के लिए, जो भी चीज़ें ड्रेस एंड ऑल, और उसके बाद पहले तो हम ईशा की नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। सो मैं ये ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब कुछ ऐसा है नहीं दिखाने के लिए।
सो अ डे ऑफ माई लाइफ इन रमज़ान ऐसा ही गुजरता है, यही सारी चीज़ें हम करते हैं. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.